हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो फ्रेंड्स टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अनदर रेसिपी अ गार्लिक चटनी एंड गार्लिक इज़ वेरी हेल्पफुल टू बूस्ट योर इम्यूनिटी सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट अ वीडियो सो फ्रेंड फर्स्टली वी टेक अ गार्लिक एंड कोरिएंडर सीड्स सो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसको पील ऑफ कर लेंगे पील आउट कर लेंगे गार्लिक को तो चलिए इसको अच्छे से छील लेते हैं छीलने के बाद हम इसको वॉश कर लेंगे देखिए फ्रेंड्स इधर मैंने बीस से पच्चीस लहसुन की कलियाँ ली हैं और साथ में मैंने लिया है धनिया धनिया साबुत धनिया होता है उस वो, वो मैंने लिया है और इसको अच्छे से पहले हम क्रश कर लेंगे देखिए हमें मिक्सी में नहीं पीसना है हमें इसको क्रश करना है जैसे हमने धनिया को क्रश किया है वैसे ही हम गार्लिक को भी क्रश कर लेंगे जो क्रश करने के बाद इसका फ्लेवर चटनी में आएगा वो डिफरेंट uh, होगा पीसने के अकॉर्डिंग जो आप uh, मिक्सी में पीसोगे उसके अकॉर्डिंग क्रश करने का स्वाद थोड़ा सा डिफरेंट होता है तो आप इसी वे में बनाइए तो चलिए हमारे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं ले लेती हूँ इधर मैंने लिया है रेड चिली पाउडर ये मैंने तीखा रेड चिली पाउडर लिया है और साथ में एक वन uh, टेबल स्पून मैंने लिया है uh, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए तो इसको मैं पानी डालकर थोड़ा सा हल्का सा पेस्ट बना लेंगे आप चाहें तो इधर साबुत जो खड़ी लाल मिर्च होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं तो चलिए गैस के ऊपर पैन मैंने रख दिया है इसको गर्म होने देते हैं गर्म होने के बाद मैं इसमें ऐड करी हूँ टू टेबल स्पून सरसों का तेल जैसे ही हमारा सरसों का तेल गर्म होगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे क्यूमिन सीड्स आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं देखिए मैंने इधर यूज़ किया है वन टी स्पून क्यूमिन सीड्स जैसे ही हमारा जो सीड्स है वो चटकने लगे उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अपना क्रश किया हुआ कोरिएंडर uh, सीड्स दोनों को अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे देखिए इनका कलर थोड़ा सा चेंज होने लगा है जैसे ही हमारा इनका कलर चेंज होने लगे हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना क्रश किया हुआ लहसुन तो देखिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में मैं कैसे आपको ये लहसुन की चटनी चटपटी और टेंगी फ्लेवर में बनाकर दिखाऊंगी बहुत ही टेस्टी लगती है सो so, फ्रेंड्स इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अपने गाली को अच्छे से भूनने देंगे इसके साथ जब तक हमारा जो गार्लिक का कलर है वो चेंज ना हो जाए तो देखिए हमारा गार्लिक भी हल्का सा ब्राउन होने लगा है जैसे ही हमारा गार्लिक ब्राउन हो जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपना रेड चिली का पेस्ट जो मैंने रेडी किया है इधर मैं ऐड कर रही हूँ रेड चिली पेस्ट इसको अच्छे से मिक्स कीजिए तो फ्रेंड्स थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसको अगेन थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर रही हूँ तो चलिए फ्रेंड्स इसको पकने देते हैं थोड़ी देर के लिए और सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू अ टेस्ट इसको एक से डेढ़ मिनट तक के लिए पकने देंगे उसके बाद हम अपना इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स जब तक इसका पानी अच्छे से सौख सूख ना जाए तब तक आ, हम इसको पकने देंगे तो देखिए थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है ये तो हमारे फ्रेंड्स ने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है दही मैं इधर वन कप के करीब दही इसमें ऐड करूँगी जिससे जो चटनी का फ्लेवर है वो थोड़ा सा टेंगी हो जाएगा और ये चटनी बहुत ही स्पाइसी और टेंगी फ्लेवर देगी बहुत ही टेस्टी बनती है आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इधर दही ऐड कर दिया है और इसको अब मैं कवर करके तीन से चार मिनट तक के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी तो फ्रेंड्स देखिए हमारी चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं और एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं सो फ्रेंड्स ये जो चटनी मैंने बना कर तैयार की है इसको मैं करीब पाँच से सात दिन तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बाय बाय गाय